Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely great. Finally, I'm back with the another fresh episode. Aviation industry में हो क्या रहा है कि पहले तो बहुत सारे offers आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितनी भी low cost budget airlines हैं, वो नए routes के announcement कर रही है। उसका फायदा है तो passengers को होता ही है, साथ ही साथ airlines को भी होता है। जैसे recently अभी मैं दिल्ली से शिरडी गया, तो दिल्ली से शिरडी के लिए जो है सिर्फ Spicejet की ही ऐसी flight है जो regular operate होती है। तो इसलिए नए routes लेके आने का फायदा जो है airlines को बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ passengers के लिए भी बहुत ज़्यादा convenient है, क्योंकि उनको भी जो है flight के through travel करने के लिए मिल जाएगा। और एक खास बात यह है कि इनके जो प्राइस एयरलाइंस जो है बहुत ज्यादा नहीं रख रहे हैं, मतलब 2000 या 2500 रुपए के आसपास से जो है शुरू हो जाते हैं। तो रिसेंटली जो है स्पाइसजेट ने कुछ नए रूट्स की अनाउंसमेंट करी है जो 1 जनवरी से ऑपरेट होने वाले हैं डेली, और कुछ जो है फ्रीक्वेंट डेज पे और डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रिक्स और मैं हूं आपका अपना ऑनलाइन ट्रैवल गाइड चमन भाटिया। दोस्तों, जब भी हम लो कॉस्ट बजट एयरलाइंस की बात करते हैं तो इंडिगो और स्पाइसजेट में जो है हमेशा कांटे की टक्कर रहती है, क्योंकि दोनों ही ऐसी एयरलाइंस है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी सर्विसेज को लेके। आपको जो है कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप मेरे को पोल में ऊपर लिख के बताइए कि आपने अगर ट्रैवल करा है इंडिगो या स्पाइसजेट से तो आपकी कौन सी फेवरेट है। देखते हैं कौन सी एयरलाइंस को ज़्यादा वोट मिलते हैं। कुछ नए रूट्स की जो अनाउंसमेंट हुई है जो 1 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हैदराबाद टू कोलकाता के लिए जो है डेली फ्लाइट होगी सुबह 7:15 पर, अराइवल होगा 9:25 पे, और कोलकाता से जो है हैदराबाद जो है वापसी होगी 9:55 की जो है सुबह की फ्लाइट होगी, 12:05 पे जो है लैंड हो जाएगी। उसी के बाद जो है हैदराबाद से कोलकाता जो है शाम को भी एक फ्लाइट चलेगी जो डेली होगी। कोलकाता से हैदराबाद जो है शाम को एक और फ्लाइट होगी जो भी डेली होगी। हैदराबाद टू पुणे की जो है फ्लाइट होगी जो रात को 10:45 चलेगी, और जो है अगले दिन मतलब सुबह सुबह बोल लो 12:05 पे वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। डेली होगी ये फ्लाइट भी। पुणे टू हैदराबाद जो है ये भी फ्लाइट डेली होगी। हैदराबाद टू कोयम्बटूर जो है डेली फ्लाइट होगी 12:35 पे, और कोयम्बटूर टू हैदराबाद जो है वापसी जो होगी 2:40 पे। तो ये जो फ्लाइट्स हैं बेसिकली जो नए रूट्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज पहले जो है यहाँ पे फ्लाइट्स जाती थी लेकिन जो है स्टॉप ओवर के साथ जाती थी, पहले कहीं और जाती थी उसके बाद जो है यहाँ पे पहुँचती थी, लेकिन अब जो है डायरेक्ट फ्लाइट जो है ये शुरू हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो 5 जनवरी को जो फ्लाइट्स हैं वो शुरू होने वाली है, वो है कोची टू बैंगलोर जो सुबह 5:50 पर चलेगी, ये डेली होगी। बैंगलोर टू कोची जो है ये भी डेली होगी, और उसके बाद जो है बैंगलोर टू बागडोगरा ये जो है रेगुलर नहीं होगी फ्लाइट, सिर्फ ट्यूजडे को नहीं चलेगी, बाकी जो है सारे दिन चलेगी। उसी तरीके से जो है बागडोगरा टू बैंगलोर जो है सिर्फ ट्यूजडे को नहीं चलेगी, बाकी जो है सारे दिन चलेगी। बैंगलोर टू पोर्ट ब्लेयर जो है 8:35 फ्लाइट होगी, सिर्फ ट्यूसडे को नहीं चलेगी, बाकी सारे दिन चलेगी। उसी तरीके से जो है पोर्ट ब्लेयर टू बैंगलोर की जो फ्लाइट है वो भी जो है ट्यूसडे को नहीं चलेगी, बाकी सारे दिन चलेगी। 11:45 की इसकी टाइमिंग है। तो ये जो सारी फ्लाइट्स हैं बेसिकली आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो स्पाइसजेट की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और आपको जो है इधर स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी जो है ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप जो है इनमें से किसी भी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और जो लोग इन पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और अगर यहाँ से ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से जो है नई फ्लाइट की सेवाएँ जो है शुरू होने वाली है 1 जनवरी से, और प्राइस जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा इन्होंने, जो है 2209 रुपये से जो है स्टार्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक रेड कलर का बटन है, ये हमेशा मेरे को लगता है कि बिना दबा हुए रह जाता है, इसको दबा दो। साथ में एक घंटी बनी हुई है प्यारी सी, उसको भी जो है दबा दो, क्योंकि उससे होगा कि मेरे जो भी एपिसोड्स अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सकेगी सबसे पहले। आप सबको पता होगा कि चैनल पे जो है स्टोरीज का ऑप्शन जो है शुरू हो चुका है, तो इसलिए जितनी भी नई नई जॉब्स अगर मेरे को पता लगती है कि कुछ आने वाली है एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं जो है आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो इसलिए अगर आपको जो है मेरी जो भी स्टोरीज आएंगी जो है आप उसको मिस मत कीजिएगा, हो सकता है उसमें कुछ जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जो है आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आप सब अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।